हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ घरेलू उपचार में। दोस्तों, गर्मी आते ही त्वचा पर कांटों की तरह चुभने वाली घमौरियाँ निकल आती है। घमौरी में त्वचा पर छोटे छोटे लाल रंग के दाने निकल जाते हैं। इन दानों में जलन और खुजली आती है। खुजली करने पर यह दाने फूट जाते हैं, जिसके बाद पसीना आने पर इन दानों में जलन शुरू हो जाती है, जो बहुत ही तकलीफदायक होती है। गर्मियों में होने वाली ये घमौरियाँ हर उम्र के लोगों को अपना शिकार बनाती है। छोटे छोटे सफ़ेद दाने या लाल पैंच की तरह दिखने वाली घमौरियाँ आमतौर पर पीठ, गर्दन, कमर, पेट और कंधे पर होती है। इन घमौरी से बचने के लिए लोग तरह तरह के पाउडर लगाते हैं, लेकिन केवल पाउडर लगाने से कुछ नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको घमौरी से छुटकारा पाने के लिए कुछ बेहतरीन घरेलू उपाय बताऊँगा, जिनका इस्तेमाल करके आपको चुभती जलती घमौरियों में तुरंत राहत मिलेगी। लेकिन पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, घमौरियों को दूर करने के लिए आपको एक खाली कटोरी में लेना है एक चम्मच एलोवेरा जेल और आधा चम्मच नवरत्न कूल पाउडर, और फिर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, एलोवेरा जेल घमौरियों में जो खारिश होती है, जो जलन होती है, उसे कम करने का काम करता है, और नवरत्न कूल पाउडर शरीर को ठंडक देता है और घमौरियों को ख़त्म करने का काम करता है। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, जहाँ पर भी आपका घमौरिया है, इस मिक्सचर को उस जगह पर लगाएं। इसे लगाने के बाद आपको काफ़ी आराम मिलेगा, और 7 डेज के प्रयोग से ही आपकी घमौरिया जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसका किसी तरह कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। घमौरियों को दूर करने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, 3 से 4 चम्मच मुल्तानी मिट्टी को लेकर उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाए और एक अच्छा सा लेप तैयार कर ले। फिर इस लेप को घमौरियों वाले स्थान पर लगाए और 20 मिनट के लिए ऐसे ही लगा रहने दे। फिर 20 मिनट बाद इसे ठंडे पानी से धो ले। ऐसा करने से त्वचा को ठंडक महसूस होती है और घमौरियाँ जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।